बसमिल वही टूडेज़ लेक्चर इज़ रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ ई एस ए एल ई एस एल स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड लास्ट टाइम हमने फाइंड आउट किया था इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड एंड इक्विवेलेंस फैक्टर फाइंड आउट किया था विद द फार्मूला एंड ग्राफ और हमने इसके नुमाइल्स uh, किए थे तो आज हम मेन कैलकुलेशन uh, करेंगे ईजल्स की कि हाउ टू फाइंड आउट इक्ल एंड स्टैंडर्ड एक्सल लोड्स और उसको भी हम uh, कैसे अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन में यूज करते हैं तो लास्ट टाइम uh, हमने फाइंड किए थे इक्ुलेंट सिंगल व्हील लोड ई एस डब्ल्यू एल बाय बॉयड एंड फोस्टर मैथड जिसमें हमने इसको इसके नमाइकल्स को ग्राफ्स एंड फार्मूला लॉ के फार्मूला दोनों के थ्रू हमने इसको फाइंड uh, आउट किया था सो इन बॉयड एंड फोस्टर मेथड वी फाइंड द इजल्स सो वी फाइंड द इजल्स थ्रू द गिवन थिकनेस दैट इज जेड। बट इन आपको पता होना चाहिए इस ग्राफ के थ्रू कि जो हमारे पास uh, z टू uh, 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 d बाई टू होता है वो कहाँ तक होता है uh, जहाँ पे हमारी स्ट्रेसिस जाके ओवरलैप होती हैं ये देखिए ये जो पॉइंट है ये जो थिकनेस होती है इस ये होती है हमारे पास d तो बाई टू तो जहाँ पे हमारी स्ट्रेसिस ओवरलैप होती हैं जो फर्स्ट लेयर होती है उसे हम d बाई टू कहते हैं और वो इक्वल होती है इसके इस d बाई टू के हमारे क्वेश्चन में uh, जो गिवन था हमारे पास वो फोर पॉइंट फाइव समथिंग था उसको डिवाइडेड बाय टू किया तो हमारे पास टू पॉइंट टू फाइव डी बाई टू आया तो वो जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वो हमारे पास इक्वल होती है क्लियंस डिस्टेंस के हाफ पे जहाँ पे हमारी स्ट्रेसेज जाके ओवरलैप करती हैं उस डिस्टेंस को हम डी बाई टू कहते हैं और उसको हम फर्स्ट लेयर कंसिडर करते हैं तो नो स्ट्रेस ओवरलैप इफ द पेमेंट थिकनेस इज देन डी बाई टू और डी बाई टू से कम पे हमारी स्ट्रेसिस ओवरलैप नहीं होती हैं जहाँ पे ओवरलैप होती है उस थिकनेस को हम डी बाई टू कंसीडर कहते हैं और इसके अलावा हम टू एस डी जो थिकनेस होती है वो हमारे पास फुल थिकनेस होती है जिस पे हमने पेमेंट को डिजाइन किया होता है दिस इज कॉल्ड टू एच डी एंड दिस इज इक्वल टू एस डी मल्टीप्लाई बाई टू जो हमारे पास थर्टीन पॉइंट फाइव थी उसको मल्टीप्लाई बाय हमने टू किया था वो हमारे पास आई थी ट्वेंटी सेवन तो ये जहाँ जो टोटल थिकनेस होती है उस जहाँ पे हमने उसको स्ट्रेसेस जहाँ तक जा सकती हैं डिज़ाइन किया होता है उसे हम कहते हैं टू एस और जो थिकनेस जिस पे हमने फाइंड आउट करनी होती है या जिस पे हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं Z वो वो हम टू एच डी से कम भी हो सकती है तो ए, बेसिक ये है कि जहाँ पे हमारी स्ट्रेसिस ओवरलैप करती हैं उसे हम d बाई टू कहते हैं और वो इक्वल होती है हमारे पास क्लियंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टू के और जो टोटल जहाँ हमारे जहाँ तक लेयर्स होती हैं जहाँ तक हमारी स्ट्रेसिस जा सकती हैं वो उसको कहते हैं हम टू एच डी जो हमारी सेंटर सेंटर टू डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स होता है एसडी डी उसको मल्टीप्लाई टू का जो आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल स्ट्रेसेस जहाँ तक जा सकती हैं तो वो हम उससे उसकी वैल्यू ग्राफ से देख लेते हैं और जो जेड होता है वो जहाँ पे हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम ई एस डब्ल्यू एल की वैल्यू को निकाल देते हैं नेक्स्ट इज तो एक तो तरीका था ई एस डब्ल्यू एल को फाइंड आउट करने का ग्राफ के थ्रू और नेक्स्ट हमने उसको फाइंड आउट किया था विद द फार्मूला दैट इज़ लोक टेन फार्मूला लोक टेन ई एस डब्ल्यू एल इज इक्वल टू लोक टेन पी डी प्लस जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन लोक टेन टू जेड बाई टी डी बाई लोक टेन फो एस डी बाई टी था हमारे पास जो थिकनेस जिसपे हमें डिज़ाइन करना था डी हमारे पास क्लियंस डिस्टेंस था और एस डी हमारे पास सेंटर टू तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स था तो ये इधर से हमने इसके एक नोमाइक भी किए थे और हमने इन दोनों मेथड से हमने ई एस डब्ल्यू एल इक्वलेंस सिंगल व्हील लोड को फाइंड आउट किया था ना उसके बाद हमने इक्वलेंस फैक्टर फाइंड आउट किया था इक्वलेंस फैक्टर के ये मेन फार्मूला था जिसमें हमने जी टी और बीटा एक्स की वैल्यू पहले निकाल के इस मेन फार्मूले में पुट की थी और उसमें फिर हमने ई एल एफ़ में इसका ये डब्ल्यू टी एक्स और डब्ल्यू टी ए को हमने रिवर्स किया था तो हमारे पास ई एल एफ़ की वैल्यू आ गई थी इसका एक मेथड ये था फार्मूले से निकालने का इक्विवेलेंस फैक्टर को और दूसरा मेथड जो हमारे पास था वो था हमारे पास ग्राफ के थ्रू हमारे पास एक्सेल लोडिंग गिवन थी और एक्सेल्स की तादाद गिवन थी जिसके अगेंस्ट हमने उसकी वैल्यू को स्टडी किया था और फार्मूले से भी हमारे पास सेम आंसर्स निकले थे तो सिंगल एक्सल टेंडम एक्सल जो दो एक्सल होते हैं उसे टैंडम एक्सेल कहते हैं और जो तीन एक्सल इकट्ठे लगे होते हैं उसे हम टैडम एक्सेल कहते हैं तो ये लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है नाउ आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ तो पेमेंट परफॉर्मेंस द प्राइमरी फैक्टर कंसिडर्ड अंडर पेमेंट परफॉर्मेंस आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट पेमेंट परफॉर्मेंस की दो टाइप्स होती हैं एक होती हैं स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस और एक होती हैं हमारे पास पेमेंट परफॉर्मेंस स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द पेमेंट सच एज द कैपेबिलिटी ऑफ द पेमेंट टू कै द ट्रैफिक लोड फैक्टर्स विच रिड्यूसेस द स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट इंक्लूड्स क्रैकिंग फॉल्टिंग रिविलिंग एंड सो फॉर्थ तो स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस बेसिकली फिज़िकल कंडीशन होती है रोड की रोड की थिकनेस पे डिपेंड करता है और हमें बताता है कि रोड की लोड कैरिंग करने की कैपेसिटी कितनी है अगर थिकनेस की हमारे पास डेप्थ ज़्यादा है तो इट्स मीन उसके पास उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और अगर थिकनेस कम है लेयर्स की हमारे पास सब गेयर सब बेस और बेस की तो एंड वे, वेनिंग कोर्स की तो इसमें उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी और इसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्रैकिंग फटिक क्रैकिंग और डिफरेंट जो कैकिंग आती हैं जो अफेक्ट करती हैं पम्पिंग एक्शन वगैरह वो हमारी स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस के फैक्टर्स होते हैं जो उसको वेड यूज़ करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को और सेकेंड इज़ फंक्शनल परफॉर्मेंस फंक्शनल परफॉर्मेंस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द हाउ अफेक्टिवली पेमेंट सर्व the the main यूजर्स द मेन फैक्टर कंसिडर अंद फनल परफॉर्मेंस इज़ दाइडिंग so सो स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस में हम उसके स्ट्रक्चर की बात कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर कितना स्ट्रेंथन है कितना उसमें लोड को कैरी करने की कैपेसिटी है उसकी डेप्थ कितनी है ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस में जबकि फंक्शनल परफॉर्मेंस में हमारे पास आती है वाइडिंग क्वालिटी की उसकी टॉप वेयरिंग सरफेस कितनी स्मूथ है और किस उसमें अन इवनेस कितनी ज़्यादा कम है और आप जो आप राइड करेंगे आपकी स्पीड और मोबिलिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है उसके ऊपर तो वो सारी चीज़ें राइडिंग कंफर्ट आती है हमारे पास फंक्शनल परफॉर्मेंस में कि अब रोड पे जो व्हीकल्स हैं मूव करना है वो कितनी इजी और कंफर्ट के साथ उसमें मूव कर सकती हैं जैक्स वगैरह है तो नहीं है उसमें उसकी क्लियेंस और उसकी लाइमेट वगैरह या उसकी कंफर्ट लेवल को जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं फंक्शनल परफॉर्मेंस में क्वांटिफाई पेमेंट परफॉर्मेंस अ कंसेप्ट नोन एज सर्विसिबिलिटी परफॉर्मेंस वाज डेवलप्ड एंड इस मीन मयर यूजिंग प्रेजेंट सर्विसबिलिटी इंडेक्स डेट इज़ कॉल्ड पी एस आई सर्वसिबिलिटी इंडेक्स इसको कहते हैं हम इसको पीटी से डिनोट करते हैं और द स्केल रेंजेस फ्रॉम जीरो टू फाइव वे इज़ जीरो इज़ द लोवेस्ट पीएसआई एंड फाइव इज़ द हाईएस्ट पीएसआई लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमने इक्वलेंस फैक्टर निकाला था तो वहाँ पे आपको पी टी गिवन था तो मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा व्हाट इज़ पी टी जो हमने 2.5 लिया था बेसिकली पी टी स्टैंडस फॉर प्रजेंट पे, पे, सर्विसबिलिटी इंडेक्स वो आपको पता लगेगा इस ग्राफ से इसे हम कहते हैं पी आई एस आई ग्राफ और प्रजेंट पे, सर्विसबिलिटी इंडेक्स ग्राफ जिसमें हमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास होेंटल है इसमें हमारे पास टाइम आया है लेंथ ऑफ एनालिसिस पीरियड जिसमें फर्स्ट परफॉर्मेंस और सेकंड परफॉर्मेंस इंडिकेशन आ रही है और सेकंड पे आ रही है सर्विसबिलिटी इंडक्स जिसमें वन पॉइंट फाइव इज़ पुअर एंड फाइफ इज़ वेरी गुड या एक्सीलेंट बेसिकली ये ग्राफ हमें शो करता है कि आ, 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 आपने जो रोड डिज़ाइन किया है वो कितनी अच्छी डिज़ाइन की है फाइव पे ए, ए, एक आइडियल होती है जो आप अचीव नहीं कर सकते तो ये फोर से फोर पॉइंट फाइव के दरमियान हम इस इंडेक्स को कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास आती है इनिशियल सर्विसेबिलिटी के जब आपके रोड डिज़ाइन की गई है ठीक है जब आपकी रोड नई नई होती है बेसिकली स्टार्टिंग uh, uh, में तो उसका सर्विसेबिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है और जैसे जैसे वो यूज होती है उसमें ट्रैफिक की लोडिंग आती है वो डैमेज होना स्टार्ट होती है तो उसकी जो सर्विसिबिलिटी है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है और जब हमारे पास हमारी पी एस आई इंडिकेशन टू पॉइंट फाइव तक पहुँचती है तो वहाँ पर हमने इसकी लिमिट लगा दिया, उसे दिया और उससे क्या दिया मिनिमम सर्विसबिलिटी लेवल और वहाँ पर हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस पीरियड ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है एच एम एवरल की एच एम एवरल क्या होता है आपने अक्सर रोड्स जहाँ जब बनती हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपकी जो रोड की फर्स्ट लेयर होती है वेरिंग कोर्स होती है या आपकी टॉप मोस्ट सरफेस होती है तो उधर से उसको रिमूव करके उस पर दबाया ओवेली किया जा रहा होता है ताकि उसकी लाइफ को इंक्रीज़ किया जाए और जितने भी आपके पास उसमें क्रैकिंग्स वगैरह आई क्वैकिंगस उसको रिमूव किया जाए जहाँ जहाँ पे आपकी रोड खराब होती है तो वहाँ पे ओवेले किया जाता है एच एम ए का वो इसलिए किया जाता है कि वहाँ आपकी रोड की लाइफ इंक्रीज़ हो जाए तो ये जब हमारे आई सर्विसबिलिटी इंडेक्स जैसे जैसे हम रोड को यूज़ करते हैं तो वो सर्विसिबिलिटी इंडेक्स कम होता जाता है और जहाँ पे जाके आप उसको जब आपके यहाँ सर्विसबिलिटी इंडेक्स 2.5 तक पहुँचता है तो हम उस पर दबाया ले कहते हैं और उसकी सर्विस इंडेक्स दबाया मतलब ओवेले कहते हैं तो दबाया वो न्यू रोड जैसी होती हो है और उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है सो so, इससे हमें पता लगा कि हम हमने लास्ट क्वेश्चन में भी जो हम नॉर्मली अपनी सर्विसबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू या पी टी की वैल्यू लेते हैं वो हम 2.5 पॉइंट फ़ाइव इसलिए लेते हैं उसके पीछे फिनमिना ये है कि जब आपके रोड न्यू स्टा होती है तो उसकी सर्विसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और जैसे जैसे यूज होती है तो वो सर्विसिबिलिटी कम होती जाती है और जब आपकी 2.5 पॉइंट फाइव पर आती है तो, तो हम उसको रिपेयर करते हैं या उसमें एच एम ए के ओवरले करते हैं ताकि उसकी लाइफ को इंक्रीज किया जा सके सो so, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रैफिक लोडिंग ट्रैफिक लोडिंग बेसिकली अब सर्विसबिलिटी इंडेक्स और ट्रैफिक में हमने देखा था कि सर्विसबिलिटी इंडेक्स हम 2.5 तक लेते हैं तो अब इस टेबल में देखें एक्सल लोड इक्विलेंस फैक्टर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट सिंगल एक्सल दिस इज़ फॉर सिंगल एक्सल जिसमें सर्विसबिलिटी इंडेक्स पी हमने लिया है टू और दिस इज स्ट्रक्चरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो स्ट्रक्चरल नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बट इज स्ट्रक्चर नंबर तो और ये इसके इस तरफ हमारे पास लिखे होते हैं, तो हम हमारे पास एस, होती है एक्सेल लोड्स तो हम अपने एक्सल लोड्स अगेंस्ट जो हमारे पास सर्विस एस एन की वैल्यू होती है स्ट्रक्चरल नंबर तो उसके अगेंस्ट हम अपनी वैल्यू को देखते हैं उस फैक्टर को कंसीडर करते हैं और इसे हम कहते हैं एक्सेल लोड इक्विलेंस फैक्टर सो वट इज सिंगल एक्सल लोड वट इज टैंडम एक्सल लोड वट इज टैडम एक्सल लोड अब ये जो ट्रक देख रहे हैं आप इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट पे आपका सिंगल एक्सल विद द सिंगल टायर एंड सेकंड पे आपका डबल सिंगल एक्सल विद द डुबल टायर्स और इस ट्रक में आप देख हैं फर्स्ट फ्रंट uh, पे इसका सिंगल एक्सल विद द सिंगल टायर और बैक uh, पे इसका है टैंडम एक्सल विद द डुबल टायर्स और इस ट्रक में आप देख रहे हैं कि सिंगल एक्सल विद सिंगल टायर फ्रंट पे और बैक पे इसका टॉयडर्म एक्सल विद डबल टायर्स अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक ट्रक हो जिसका लोडिंग जिसपे हम जो लोडिंग लगाए लोडिंग फैक्टर या डैमेजिंग फैक्टर थर्टी टू आ रहा है तो इट्स मीन के हमारे पास जो एटीन किप के सोलह ट्रक्स गुजरेंगे और उसकी डैमेजिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी एक ट्रक गुजरेगा और उसका डैमेजिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा आ जाता है तो इसमें तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे हम कहते हैं कि सिंग एटीन किप के सोलह ट्रक्स पे हम सामान को लेके जाएँ तो उतना उसका डैमेज इफेक्ट सोलह दफ़ा गुजरेगा उसके बाद उतना होगा जितना एक ही ट्रक पे हमारा जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है तो इसका एक हल क्या है तो उसमें हल ये है कि हम अपने एक्सल्स की तादाद को ज़्यादा कर दें जैसे ये ट्रक है आपका तो इस पर आप लोड ज़्यादा कर देंगे तो इतना ज़्यादा डैमेज इफेक्ट नहीं होगा इन दिस टेबल यू कैन सी ये आपका ट्रैफिक लोड का टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका सर्विसबिलिटी इंडेक्स टू पॉइंट फाइव है और इसमें जो एक्सल्स हैं वो टेंडम एक्सेल है अब इसमें देखें आप जो आपके पास ए, वन आ रहा है जो हम इक्वलेंस फैक्टर लेते हैं वो आ रहा है थर्टी फोर किप एक्सल लोड पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सल लोड सिंगल एक्सल के साथ आता है जो ये देख रहे हैं हम तो उसमें हम 18 किप पे जाके हमारे पास यहाँ अठारह हज़ार एल बीस पर जाके हमारे पास आता है वन डैमेजिंग फैक्टर जबकि अगर हम एक्सल्स की तदाद को ज़्यादा कर दें तो एक्सल हमारे पास स्टैंडम एक्सल हो जाएंगे तो उस पर हमारे पास लोड देख रहे हैं आप एटीन किप से थर्टी फोर किप तक हो गया और थर्टी फोर किप पर जाके कि वो डैमेजिंग इफेक्ट करेगा वन तो इट्स मीन कि अगर हम अपने एक्सल्स की तदाद ज़्यादा कर दें तो हम उस पर लोडिंग भी ज़्यादा लगा सकते हैं या लोडिंग भी ज़्यादा दे सकते हैं टू डिटर्मिन द इजल्स इक्वल एंड सिंगल एक्सल लोड स्टैंडर्ड एंडल लोड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहीकल सच एज कार्स बसिस सिंगल यूनिट ट्रक्स एंड मल्टीपल यूनिट ट्रक्स एक्सपेक्टेड टू यूज द फैसिलिटी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम मस्ट बी नॉन The total easels applied on highway during its design period can be determined only after the design period and traffic growth rates are known. The design period is the number of years the payment will effectively continue to carry the traffic load without requiring an overlay. Flexi uh, flexible highway payments are usually designed for 20 year period. तो ईजल्स फाइन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितनी आ रही हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स कितनी आ रही हैं तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हम हर एक व्हीकल को लेके उसका लोड या उसका वज़न नहीं कर सकते तो उसमें हमने पहले कहा था कि हमने प्राइवेट व्हीकल्स के डैमेजिंग फैक्टर को कंसीडर नहीं करना हमने जस्ट कमर्शियल व्हीकल्स को कंसीडर करना है अब कमर्शियल व्हीकल्स को कंसीडर करने के लिए भी हम हर हाँ एक व्हीकल का डैमेजिंग फैक्टर अलग से निकाल सकते तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम अपनी एवरेज लेते हैं एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के हम मौजूदा ट्रैफिक कितनी है उसमें और उसकी हमने हम साल की एवरेज लेते हैं तो हमारे पास एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आ जाती है उसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि हमने अपने जो रोड को डिज़ाइन करना है फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करना है तो उसको कितने सालों के लिए डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन पीरियड देखते हैं और आपको ये भी पता है कि हर साल आपकी ट्रैफिक सेम नहीं आती जैसे जैसे आपके फ्यूचर में जाते हैं तो आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होती जाती है तो उस इंक्रीज़ को हम कहते हैं ट्रैफिक ग्रोथ रेट के आज से एक साल बाद या दो साल बाद आपका जो ट्रेफ एक साल बाद जो ग्रोथ रेट है वो टू परसेंट इंक्रीज हो जाएगा थ्री परसेंट इंक्रीज हो जाएगा तो ये मैक्सिमम टेन परसेंट तक हम इसको कंसीडर करते हैं सिंस ट्रैफिक वॉल्यूम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर द डिज़ाइन पीरियड ऑफ द पेमेंट इट इज़ असेंशियल दैट द रेट ऑफ ग्रोथ बी डिटर्मिन एंड अप्लाइड वेन कैलकुलेटिंग द टोटल इजल्स

तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ग्रोथ रेट गिवन है कि हमने जो 20 साल या 15 साल के लिए अपनी रोड डिज़ाइन के लिए हैं तो उसकी जो ट्रैफिक है वो इतने परसेंट इंक्रीज हो रही है तो वो ठीक है अदरवाइज हम उसको थ्री से सिक्स परसेंट के दरमियान लेंगे और मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट जाता है वो हमारे पास टेन परसेंट तक जाता है द ग्रोथ रेट फॉर डिफरेंट ग्रोथ रेट्स फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ग्रोथ रेट्स एंड डिज़ाइन पीरियड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू भी एक निकाल सकते हैं इसको एक टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं और एक इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं तो इक्वेशन के थ्रू हम कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला है वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर इन दिस इक्वेशन एन इज द नंबर ऑफ ईय और आर इज द ग्रोथ रेट इन दिमल्स के अगर हमारे पास गिवन है कि हम फोर परसेंट ग्रोथ रेट है या फाइव परसेंट ग्रोथ है तो इधर फाइव आएगा और एन की जगह नंबर ऑफ ईयर्स अगर ट्वेंटी ईयर्स तो हम इधर ट्वेंटी पुट करेंगे और आर की जगह फिर हम ग्रोथ रेट की वैल्यू पुट करेंगे तो जिससे हमारे पास ग्रोथ रेट फैक्टर आ जाएगा अगर हमारे पास ग्रोथ रेट गेमन नहीं है सेंध निकालना और टेबल गिवन है तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये इस टेबल में डिज़ाइन पीरियड इन द दीयर्स तो हम अपने जितने सालों के लिए डिज़ाइन करना बीस साल के लिए कर रहे हैं और हमारे पास ग्रोथ रेट की वैल्यू फाइव है कि फाइव परसेंट ग्रोथ रेट है हर साल आपको फाइव परसेंट आपकी जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो गया तो फाइव परसेंट के अंगेंस्ट हम इसकी वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे फार्मूले से भी आपका थर्टी थ्री पॉइंट जीरो सिक्स आएगा और टेबल के थ्रू भी यही वैल्यू आएगी उसके बाद द पोर्शन ऑफ टोटल इजल एक्टिंग ऑन द डिजाइन लेन इज यूज टू डिटर्मिन द पेमेंट थिकनेस एट द लेन ऑफ द टू लेन हाईवे कैन बी कंसीडर्ड एज द डिजाइन लेन वेयर एज फॉर मल्टी लेन हाईवे द आउटर लेन इज कंसीडर्ड सो हम फिर अपना ट्रैफिक लोडिंग काउंट करते हैं जिसे हम डिज़ाइन लेन फैक्टर कहते हैं डिजाइन वट इज़ डिज़ाइन लेन फैक्टर बेसिकली आपको पता है कि आपकी जो आ, आ, कौन सी लेन ऐसी है जो आपकी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है या सबसे ज़्यादा उस पर ट्रैफिक लोडिंग आती है वो होती है हमारी सबसे लास्ट लेन जहाँ पे हमारे पास हैवी uh, ट्रेलर्स या हैवी ट्रैक्स ने चलना होता है तो हम उसको कंसीडर करते हुए अपनी ट्रैफिक को देखते हैं जिसको ट्रैफिक एफडी uh, कहते हैं डिजाइन लेन फैक्टर कहते हैं यहाँ तो क्वेश्चन में गिवन होता है यहाँ पे हम इसको स्टेबल से देखते हैं अब इस टेबल से कैसे देखते हैं नंबर ऑफ लेन इन ईच डेक्शन परसेंटेज ऑफ एटीन की ईज इन द डिज़ाइन लेन अगर हमारे पास टू लेन रोड है तो हम उसको 80 से 100 के दरम्यान देखेंगे अगर थ्री लेन है तो हम इसको ऐसे सिक्सटी से एट्टी के दरमियान देखेंगे और इसी तरह परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रैफिक इन द डिजाइन लेन इन टू डायरेक्शन ये हमारे पास था सिंगल डायरेक्शन अगर हमारे पास टू पास टू डायरेक्शन है तो फिर हम इसको टू डायरेक्शन में देखेंगे अब देखें ये इससे हाफ हो गया है मतलब कि ये फिफ्टी परसेंट है और ये हंड्रेड परसेंट है इसी तरह ये फोर्टी फाइव परसेंट है और ये एटी परसेंट तो ये इससे हाफ हो गया है सो so, हम अब क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ आएगी अ जनरल इक्वेशन फॉर एक्यूमिलेटेड ईजल्स फॉर ईच कैटेगरी ऑफ एक्सल लोड इज ऑप्टेन दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ टू फाइंड आउट द ईजल्स ई ए एस एल अब इसके साथ आई क्यों लिखा हुआ है ए ए डी टी के साथ भी आई लिखा हुआ है एन के साथ भी आई लिखा है एक फैक्टर के साथ आई लिखा हुआ है आई इसलिए लिखा हुआ है आई का मतलब ये है कि हम इसमें जस्ट अपनी कमर्शियल व्हीकल्स को कंसिडर करें इसलिए इसके साथ हमने आई लिखा हुआ है तो ईजल्स का फॉर्मूला है एफ डी एफ डी स्टैंड फॉर डिजाइन लेन फैक्टर इजल स्टैंड फॉर इक्ट एक्यूमिलेटेड सिंगल एक्सल लोड फॉर द एक्सल कैटेगरी एक्स आई तो ए, एक्सल कैटेगरी आई को मैंने आपको डिफाइन की थी क्योंकि हमने जस्ट कमर्शियल व्हीकल्स या ट्रक्स ट्रैक्स ट्रेलर्स लिए हैं तो हमने इसको आई कंसीडर किया है और एफ डी स्टैंड फॉर डिज़ाइन लेन फैक्टर जी स्टैंड फॉर ग्रोथ फैक्टर फॉर द गिवन ग्रोथ वेट जो अभी मैंने आपको फार्मूला लास्ट लाइट में डिस्कस किया था उसके बाद आप आता है ए ए डी टी स्टैंड फॉर फर्स्ट ईयर एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक फॉर एक्सल कैटेगरी आई इसे हम कहते हैं एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक जो हम एवरेज लेते हैं अपनी ट्रैफिक को फ्यूचर के आने वाली मल्टीप्लाई बाय 365 और 365 आपको पता है कि एक साल होता है और उसके बाद आपके पास आता है एन एन इज अ नंबर ऑफ एक्सल्स ऑन ईच व्हीकल इन द कैटेगरी आई तो ये हमें नंबर ऑफ एक्सल्स हम इधर लिखेंगे और एफ ई आई इज इक्वल टू लोड इक्वलेंस फैक्टर फॉर एक्सेल कैटेगरी आई तो इसे हम लोड इक्वलेंस फैक्टर कंसीडर करेंगे तो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के मुताबिक इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन इज कम्प्यूटिंग एट लेन हाईवे यूजिंग लोड इक्वलेंसी फैक्टर्स ठीक है हमने ईजल्स फाइंड करने हैं लो इक्सी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए तो एन एट बी कंसीडर्ड ऑन अ न्यू अलाइनमेंट ट्रैफिक वॉल्यूम फोरकास्ट इंडिकेट्स दैट द एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक इन बोर्ड डायरेक्शन डूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन विल बी ट्वेल्व थाउजेंड तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक बोर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास आएगी वो आएगी उसने गिवन दिया है क्वेश्चन में 12,000 व्हीकल विद द फॉलोइंग व्हीकल मिक्स एंड एक्सल लोड्स तो पसेंजर कारउजेंड एल बीज पर एक्सल इज इक्वल टू फिफ्टी परसेंट के फिफ्टी परसेंट उस पर पसेंजर कार्स चलेंगी उसके बाद टू एक्सल सिंगल यूनिट ट हमारे पास चलेंगे छः हज़ार एल बी पर एक्सल और वो आएंगे हमारे पास थर्टी थ्री परसेंट और थ्री एक्सल यूनिट ट्रक्स हमारे पास आएंगे टेन थाउजेंड एल बीस के सेवेंटीन परसेंट तो द व्हीकल इज मिक्स मिक्स इज एक्सपेक्टेड टू तो रिमेन द सेम थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ ऑफ द पेमेंट इफ़ द पेमें इफ एक्सपेक्टेड एनुअल ट्रैफिक ग्रोथ रेट इज फोर परसेंट तो हमारे पास ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन दे दिया है फोर परसेंट हमारे पास ग्रोथ रेट है फॉर ऑल द व्हीकल्स डिटर्मिंग द डिज़ाइन ऑफ ईजल्स गिवन द गिवन अ डिज़ाइन पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स एंड हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है ट्वेंटी ईयर्स का द परसेंट परसेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द डिजाइन लेन इज द परसेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द डिजाइन लेन इज फोर्टी फाइव परसेंट एंड द पेमेंट हैज़ अ टर्मिनल सर्विसबिलिटी पी टी इज़ टू पॉइंट फाइव एंड एस एन स्ट्रक्चर नंबर इज फाइव तो हाँ ये सारी चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है फॉलोइंग डाटा मस्ट बी अप्लाइड तो ग्रोथ फैक्टर हमारे पास कहाँ से हम कंसिडर करेंगे या तो हम उसको ग्रोथ फैक्टर को फार्मूले से निकाल लेंगे या हम अपने टेबल से इसको निकालेंगे सो इन दिस क्वेश्चन हमें सब कुछ गिवन है अब इसमें एक चीज़ ये है कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हमने जब ईजल्स काउंट करने हैं तो उसमें हमने अपनी पसेंजर्स कार्स को हमने निगलैक्ट कर देना है जो हमारे पास फिफ्टी परसेंट पसेंजर्स कार हैं उसे हमने उसके ईजल्स काउंट में हमने उसको शामिल नहीं करना हमने जो अपने ईजल्स में अपने एक्सल्स की काउंटिंग करनी है वो टू एक्सल होगा या थ्री एक्सल ट्रक्स को यूनिट्स को हमने काउंट uh, करने हैं सो फॉलोइंग डाटा मे बी अप्लाइड तो सबसे पहले हमने अपना मेन uh, फार्मूला देखने हैं मेन फार्मूला हमारे पास जो है वो है ईजल इज इक्वल टू एफ डी जो हमारे पास डिज़ाइन लेन फैक्टर है और ग्रोथ रेट निकालना है एवी जेली डेली ट्रैफिक गिवन है हमारे पास एन नंबर ऑफ एक्सल्स ऑन ईच व्हीकल ठीक है और एफ uh, uh, जो है हमारे पास और हमारे पास लोड इक्वलेंसी फैक्टर हमने ग्राफ्स निकालना है सो so, इसमें हमने सबसे पहले एट लेन हाईवे वे डिवाइडेड हाईवे हमारे पास और हमने पसेंजर्स कार को निगलैक्ट कर दिया और हमारे पास जो एनुल एवरेज डेली ट्रैफिक है वो है बारह हज़ार एनुल एवेज डेली ट्रैफिक है हमने थर्टी थ्री परसेंट पे निकालनी है टू एक्सल्स और सेवनटीन परसेंट पर निकालने हैं थ्री एक्सल्स तो फिफ्टी परसेंट हमारे वैसे ही निगलेक्ट हो चुका है और उसमें द परसेंट ऑफ जो, जो ट्रैफिक डिज़ाइन लेन हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ एफ डी और वो फोर्टी फाइव परसेंट है और पी टी हमारे पास टू पॉइंट फाइव है सर्विस इंडेक्स और स्ट्रक्चर नंबर हमारे पास गिवन है एस एन फाइव नाउ हम सब आ, अपनी वैल्यूज पुट करते हैं सबसे पहले हमने ग्रोथ फैक्टर निकालना है ग्रोथ फैक्टर का भी मैंने आपके साथ फार्मूला भी डिस्कस किया था और दूसरे नंबर पे हम इसको टेबल से भी निकाल सकते हैं तो ग्रोथ फैक्टर को निकालने के लिए ये फार्मूला है जिसमें हमने आज जो हमारे पास है ग्रोथ वेट है ठीक है ग्रोथ वेट भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कितने ग्रोथ वेट के साथ आपकी जो Uh, परसेंटेज वो इतनी जा रही है तो हम इसको फाइव ले लेंगे और एन आपके पास ट्वेंटी है ठीक है तो इधर से हमारे पास ग्रोथ रेट निकल निकल जाएगा अगर अगर हमारे, हमने फार्मूले से निकालना तो हम अपना ग्रोथ रेट की जो वैल्यू है वो हम इस टेबल से लेंगे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो है ट्वेंटी ईयर्स डिज़ाइन पीरियड तो ट्वेंटी ईयर्स और जो हमारे पास ग्रोथ रेट है वो हमारे पास है फोर फोर परसेंट तो फोर परसेंट और ट्वेंटी इयर्स के अगेंस्ट हम अपनी वैल्यू को देख लेंगे दैट इज़ ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन एट तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन एट के अगेंस्ट हमने चीज़ें हमने अपने ग्रोथ रेट को कंसीडर करना है ये आपका ट्वेंटी नाइन पॉइंट तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन एट हमने ये टेबल से भी टेबल से ले ली वैल्यू या हम इसको अपने फैमिले से भी निकाल सकते हैं सेकेंड इज सेकेंड परसेंट ट्रैक वॉल्यूम ऑन डिज़ाइन लें दैट इज़ फोर पॉइंट फाइव परसेंट तो ये फोर पॉइंट फाइव परसेंट कैसे है हमारे पास ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ एफ डी जो पास तो हम हमारे पास गिवन था दैट इज़ फोर पॉइंट फाइव परसेंट तो ये फोर पॉइंट फाइव परसेंट को हम जीरो पॉइंट फोर फाइव लिखेंगे ग्रोथ रेट हमने इसमें एन हमारे पास ट्वेंटी है और उसमें आर हमने फोर परसेंट किया तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन एट यहाँ इसको हमने टेबल से देख सकते हैं उसके बाद एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक तो उसको हमने कैसे कंसिडर करना है कि हमने अब आ, सबसे पहले जो हम पार्ट करें हैं उसमें हम हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टू एक्सल्स के लिए तो टू एक्सेल में उसने कहा थर्टी थ्री परसेंट आपकी एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आनी चाहिए तो हम इसका थर्टी थ्री परसेंट लेंगे फिफ्टी परसेंट आपकी पसेंजर कार्स हैं इस इस ट्रैफिक में से और थर्टी थ्री परसेंट टू एक्सेल है और सेवनटीन परसेंट थ्री एक्सेल है सो ज़ीरो पॉइंट डबल थ्री ट्वेल्व डेली ट्रैफिक थर्टी थ्री परसेंट आ जाएगी टू एक्सल्स के लिए और थ्री सिक्सटी फाइव आपका एक साल में दिन होते हैं और एन आपके पास आएगा टू नंबर ऑफ एक्सेल्स ये टू एक्सेल के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास टू आएगा और आपके पास एफ जो इक्विलेंस फैक्टर है वो कहाँ से आएगा इक्वलेंस फैक्टर के लिए हम एक टेबल पे जाएंगे इक्विलेंस फैक्टर के लिए हम सबसे पहले हमारे पास टेंडम एक्सेल है तो टेंडम एक्सेल पे हम जाएंगे और टेंडम एक्सल पे हम आ, हमने जाके ये देखेंगे ये, पहले हमारे पास सिंगल एक्सल है तो हम अपने ग्राफ पे जाएंगे सिंगल एक्सल का ग्राफ है हमारे पास ठीक है सिंगल एक्सल के ग्राफ पे हमने जाना है कि हमारे पास जो लोडिंग है एक्सल लोड वो है सिक्स थाउजेंड या सिक्स किप्स तो सिक्स किप्स के अगेंस्ट हमने हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर की वैल्यू है तो स्ट्रक्चर नंबर uh, हमारे पास है फाइव तो हम हमने क्या करना है सिक्स के अगेंस्ट सिक्स थाउजेंड के अगेंस्ट हमने अपनी वैल्यू देखनी है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो सो हमारे पास जो एफ डी की वैल्यू आएगी वो एफ की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो आएगी ये टू एक्सेल सिंगल यूनिट के लिए आएगी और उधर हम लिखेंगे ज़ीरो पॉइंट वन डबल ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन ज़ीरो तो इसके इधर से हम इसकी ईजल्स फाइंड आउट कर लेंगे और जब ईजल्स फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए इसी तरह हम फिर जो लास्ट पार्ट है थ्री एक्सल सिंगल यूनिट के लिए वो हम करेंगे तो इसमें भी सेम वही चीज़ें आएंगी और इसमें जो हमारे पास थ्री एक्सेल्स के लिए आएगा तो उसके हम जब दूसरे टेबल से वैल्यू देखेंगे वो आएगी हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो डबल एट सो तो ईजल्स टू एक्सल सिंगल यूनिट के लिए हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हमने एम एस ए में लिखना है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सन में लिखना है उसको डिवाइडेड बाय टेन क्यू एसपर सिक्स करेंगे तो हमारे हमारे पास टेन की एस्टू पास सिक्स में मिलियंस में उसकी वैल्यू आ जाएगी तो इसी तरह थ्री एक्सन में जो वैल्यू आएगी इन ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी इसको हमने तो टोटल ईजल्स कैसे होंगे इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना तो इधर से हमारे पास टोटल ईजल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह ईजर्स फाइंड आउट करने का एक और मेथड है जो यूजिंग ट्रक फैक्टर से होता है सेम वही चीज़ है इसमें इसमें जस्ट फार्मूले में एंड पे जो हमारे पास ए, उस ला, लास्ट फार्मूले में एन और एफ था इसको निगलेक्ट करके इस फार्मूले में ट्रक फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं तो आप जिस तरह क्वेश्चन होगा उस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं ट्रक फैक्टर से भी कर सकते हैं और एन ओ एफ से भी कर सकते हैं अ टू लेन मेजर रूरल प्रिंसिपल हाईवे हैज एन एनअल एवरेज डेली ट्रैफिक ऑफ फोर थाउजेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रैफिक ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्रकस फोर परसेंट एनअल ग्रोथ रेट एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑन द डिजाइन लेन इफ द ट्रक फैक्टर इज शोन is shown in uh, 0.38 uh, that is fd uh, compute the easels for the design period of 20 years so easels is equal to isme pi jo hai my pass percentage of track hai ab uh, ye same hai jo ab 25 percent hai theek hai वो उसमें हम uh, हमने ए ए डी टी आई लिखा था तो इसमें हमने अलग अलग कर दिया तो ये परसेंटेज ऑफ ट्रैक्स आ जाएगा पॉइंट टू फाइव एनअल एविज डेली ट्रैफिक में फोर थाउजेंड आ जाएगा आपके पास ठीक है और ग्रोथ रेट हम टेबल से या उस फार्मूले से निकालेंगे वो हमारे पास आएगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन एट और एफ डी एल हमारे पास फैक्टर फॉर डिज़ाइन लेन आएगा जो हमारे पास गिवन है फिफ्टी परसेंट और इसके अलावा थ्री सिक्सटी फाइव सेम है और ट्रैक फैक्टर हमने इसमें निकालना है तो ट्रैक फैक्टर का हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें हम ट्रैक फैक्टर निकालते हैं तो ट्रैक फैक्टर कैसे निकालते हैं हम हमारे पास हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो ट्रैक फैक्टर के किसके लिए गिवन है टू लेन मेजर रूरल प्रिंसिपल टू मेजर प्रिंसिपल कौन सी है रूरल मेजर प्रिंसिपल तो मेजर प्रिंसिपल पे आपने जाना है और और उस पर आपने जाके टू लेन पे जाना है और टू लेन पे जाके जा हमने उसकी वैल्यू को देखना है तो हम टू लेन पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है हमने जो वैल्यू देखनी होती है वो आल टैक्स के लिए देखनी है और जो हमारे पास वैल्यू आ रही है प्रिंसिपल प्रिंसिपल आर टी एल में वो हमारे पास आ रही है जीरो पॉइंट थ्री एट दैट इज इट्स ट्रक फैक्टर तो इधर हमने जस्ट इसकी वैल्यू पुट की और इधर से हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले से ईजल्स आ जाएंगे ये थोड़ा वो जो लास्ट फार्मूला ज़्यादा ही एक्यूरेट है ये थोड़ा सा इन कह सकते हैं इसमें एरर के चांसेस हैं तो इस मामले में, में क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर्स कम हो जाते हैं उसकी जगह खाली एक ट्रक फैक्टर रहता है तो इसके इसके थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं ईजल्स को तो जब जब भी हम पेमेंट डिज़ाइन करते हैं जितने सालों के लिए करते हैं तो उसके सबसे मेन फैक्टर होता है ईजल्स का फाइंड करना उसकी लोडिंग फाइंड करना कि उसके ऊपर एक्सेस की लोडिंग कितनी आनी है तो जिसकी बेस पे हम अपनी पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं इसलिए ये ईजल्स फाइंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पेमेंट के डिज़ाइन में सो so, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम भी हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था इक्वलेंस सिंगल व्हील लोड और इक्वलेंस फैक्टर अभी आपने देखा है कि इक्लेंस फैक्टर को हम ईजल्स निकालने के लिए भी कंसिडर करते हैं और मेन जो आपने निकालना होता है वो निकालना होता है ईजल्स कैलकुलेशन तो ईजल्स की कैलकुलेशन आज आपने कर लिया है नेक्स्ट टाइम से भी हम अपने फ्लै पेमेंट की के डिज़ाइन की तरफ आएंगे तो ये आपका लेक्चर था इसको आपने अच्छी तरह गो थ्रू करना और हम फिर बाकी जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम जूम सेशन में इसको डिस्कस करेंगे थैंक यू